धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भर्ती 2021, जो कि 25/12/2021 को जो इंटरव्यू हुए हैं उनके बारे में, कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का इंटरव्यू कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए जाने के लिए डॉक्यूमेंट, कि हमें किन किन डॉक्यूमेंटों की या कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी दो फ़ोटो। तो हमारे पास वो दो फ़ोटो होने चाहिए जिन्हें हमने अपने फॉर्म भरते समय लगाया है। दो फ़ोटो के अलावा फिर एक मूल निवासी होना चाहिए, उसके बाद में रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके पास में मार्कशीट होनी चाहिए जिस मार्कशीट से हमने फॉर्म भरा है, 8th की या 10th की, जो भी हो आपके पास, या आपने जितनी लगाई है वो सारी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फ़ोटो को छोड़कर, उन सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस उनकी क्या होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाना है। और इंटरव्यू का समय रहता है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में हमें प्रवेश लेना है। 9 बजे के बाद एंट्री क्या हो जाती है, वैन हो जाती है, बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कि ये दो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंटों का सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ओरिजिनल मूल दस्तावेजों को वो चेक करेंगे, उसके बाद में फोटोकॉपी की उस पर अपनी सील लगा देंगे और उस फोटोकॉपी को पिंच करके वो जहाँ पर इंटरव्यू का जो अधिकारी ले रहा है उसके पास पहुँचा देंगे। उसके बाद में हमारा नाम बोलेगा, नाम बोलने के बाद हम उसमें अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद वहाँ पर 3 व्यक्तियों का पैनल बैठा होगा, तो उनमें से जिस व्यक्ति के पास हमारी फाइल होगी वो हमसे क्वेश्चन करेगा। सबसे पहले हमारा नाम पूछेगा, उसके बाद में हमारा पता पूछेगा। दोस्तों, पता पूछने के बाद में जिस कैटेगरी के लिए हमने फॉर्म भरा है उसके बारे में पूछेगा। जैसे मान के चलो, सपोज हमने ड्राइवर के लिए या माली के लिए भरा है, ये मान लो आप हमने माली के लिए फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, हालांकि ये जो ग्रुप फोर्थ की वैकेंसी है, तो इनमें क्या करेगा कि सबसे पहले पूछेगा कि आपने अगर माली के लिए फॉर्म भरा है तो आप माली के बारे में क्या जानते हो। दूसरी बात वो पूछेगा, अगर आपने बताया कि हम माली के बारे में ये जानते हैं, माली का काम ये होता है, पौधों को सिंचाई करना, पौधों को काटना, पौधों की देखभाल करना, उसके बाद में वो जो दूसरा बैठा होगा वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि ये बताइए, आपने कभी माली का काम किया है। तो दोस्तों, वहाँ पर विशिष्ट चीज़ ये ध्यान रखने के लिए है कि हमें मना नहीं करना है किसी भी चीज़ का, हर जो भी वो क्वेश्चन करें उसका हमें पॉजिटिव वे में आंसर देना है, पॉजिटिव आंसर देना है। तो दोस्तों, अगर आप कह दोगे कि हाँ मैंने माली के पहले काम किया है, तो वो बोलेंगे किस ज़िले में, तो हम जिस ज़िले से रहने वाले हैं या जिस ज़िले से हमने फॉर्म अप्लाई किया उसका नाम बताएंगे। दूसरी बात वो पूछेगा कि जैसे एक पौधा है, तो दोस्तों पौधे को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जैसे वो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कर देगा आपसे कि अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन सबसे अधिक किस खाद से मिलता है, तो आपको बताना होगा कि वो गोबर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद में वो तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर कर देगा, उसके बाद में आपसे बोल देगा धन्यवाद, आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन चीज़ों का क्या है, हमें इंटरव्यू के लिए जाने से पहले इन सारी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जिन जिन चीज़ों को हमने फॉर्म में भरा है वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ लेकर जाना है। धन्यवाद।